सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं शुरू कर रहा हूं अभी वेक्टर के नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे काम कर चुके थे, वहीं से शुरू कर रहा हूं। थोड़ा सा एक क्विक हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं। ये आपका टेल है और ये हेड है। अगर इसका नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, देन वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर ए बी, ठीक है। और अगर इसका कोऑर्डिनेट लोकेशन आपको x2, y2, z2 है और इसका कोऑर्डिनेट लोकेशन x1, y1, z1 है, देन ए बी कैन बी रिटन एज x2 - x1 i कैप y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये मैंने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा दिया था, है ना। इसके बाद मैं आना चाहूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक पॉइंट वेक्टर से। एक पॉइंट वेक्टर और एक नल वेक्टर से शुरू करते हैं। नल वेक्टर, और इसको हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं, जीरो वेक्टर कह सकते हैं। पॉइंट वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये तीनों एक चीजें हैं। और ये किसको कहते हैं? दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच हैज मैग्निट्यूड जीरो, दोज वेक्टर्स विच हैज मैग्निट्यूड जीरो आर डिफाइंड एज नल वेक्टर, पॉइंट वेक्टर। तो बेसिकली एक पॉइंट होता है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। हम कह नहीं सकते किधर की ओर है, इसका मैग्निट्यूड जीरो है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ पॉइंट वेक्टर, है ना। दूसरी यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर्स विच हैज मैग्निट्यूड इक्वल टू वन, वो वेक्टर्स जिनके मैग्निट्यूड क्या होते हैं? वन होते हैं। दोज वेक्टर्स विच हैज मैग्निट्यूड इक्वल टू वन। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर अगर आपको लिखा हुआ है आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप, सबसे पहले तो बात होती है कि मैग्निट्यूड निकालेंगे आप कैसे, मैग्निट्यूड आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैग्निट्यूड जो होती है वो हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी को आप मैग्निट्यूड कह सकते हो, ये लिख सकते हो, या इसको आर भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यूनिट वेक्टर कहते हैं दोज वेक्टर्स विच हैज मैग्निट्यूड ओ वन। आर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। आर को मैंने क्या किया है, एक वेक्टर नाम दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और उसका मैग्निट्यूड कैसे निकाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे देखिए, आप पाइथागोरस थ्योरम में निकालते थे, दो परपेंडिकुलर अगर लाइन होती थी तो इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते थे। यहां तीन परपेंडिकुलर लाइन है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और के कैप मतलब जेड एक्सिस। तो यहां का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी को वेक्टर आर का मैग्निट्यूड हम कह सकते हैं, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है?
किसी वेक्टर को अगर मुझे यूनिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए और इसको आर कैप कह सकते हैं, और ये हो गया आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बिकम यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर आप उसी के वेक्टर से डिवाइड कर देंगे दैट विल बिकम अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी। और यूनिटी लाने के लिए वन, किसी का मैग्नीट्यूड वन लाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन का होना जरूरी है। सो हमने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूनिटी कन्वर्ट किया है, मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमने उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, वन बना दिया, एंड द डायरेक्शन वाज द सेम जो पहले का डायरेक्शन था। जैसे आप देखिए, ये आपने लिख लीजिए, ये पहले आप लिख लीजिए, यस प्रिंस, प्रिंस आनंद बोलिए, प्रिंस आनंद लिख लिया सर। अच्छा, जिसको भी बात करना हो, कुछ पूछना हो, प्लीज रेज करिएगा अपना हैंड। ठीक है, अपना हैंड रेज करिएगा सो दैट मैं आपकी बात गंभीरता से सुन सकूं। ठीक है, जिसको भी कहीं कुछ बात करना हो अपना हैंड रेज करिएगा और जब मैं बोलूंगा तो आप बात करिएगा। तो देखिएगा, सभी ने लिख लिया इसको, मुस्कान, चंदा, yes. पूजा, रोहित, yes, sir. Okay. So, यहां देखिए, अब जैसे आपके पास एक वेक्टर मैं दे रहा हूं, लेट्स से इट इज थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर। क्या हो जाएगा, आर का पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, एंड दिस विल बी टू स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, एंड दिस विल बी नाइन प्लस फोर प्लस वन। वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो आपका अंडर रूट 14 हो जाएगा। वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, उसको यूनिट वेक्टर का ये सिंबल होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। और ये हो गया आपको वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 3i प्लस 2j माइनस k कैप एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 14। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज 3 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझ गए सब लोग? यस सर।
If R equal to 0.5i plus 0.3j minus ck is an unit vector, then find value of C. Then find value of C. क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें बोल दिया गया कि R एक यूनिट वेक्टर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ R विल बी इक्वल टू 1. सो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस माइनस C का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1. सो 0.25 प्लस 0.09 प्लस C स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. So C square equal to 1 minus 0.25 minus 0.09. C square equal to 0.75 minus 0.09. And this will be 66. So C will be equal to under root 0.66. सर पिछले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड 1 कहाँ आया था? कहाँ? यहाँ इस वाले क्वेश्चन में. यस सर, इस वाले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड 1 करना था ही नहीं ना. इसमें तो पूछा कि यार एक यूनिट वेक्टर है वो निकालो, तो हमने एक यूनिट वेक्टर निकाला. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो 1 आता है कि नहीं. हमें इसमें क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को समझो ना. यहाँ पे आपको बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालिए और यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूनिट वेक्टर है, तो वहां यूनिट वेक्टर जहां निकालना था मैंने क्या किया, उस वेक्टर को दिया हुआ वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाला, उनसे डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर मिल गया. अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करके देखिए. आप इसको चेक करके देखिए, 3 अपॉन अंडर रूट 14 क्या होगा? 9/14. 2 अपॉन अंडर रूट 14 क्या होगा? 4/14. 1 अपॉन अंडर रूट 14 क्या होगा? 1/14. क्या हो गया? अंडर रूट 14/14. क्या 1 मिला? यूनिट वेक्टर. इससे इसको इसको इसका ये यूनिट वेक्टर है आपका, आपका यूनिट वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको 1 मिला क्या? हमें करना था यूनिट वेक्टर निकालना था. यहाँ यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक मिसिंग कंपोनेंट फाइंड आउट किया. बोथ आर टू डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस. समझ आया? यस सर. सभी को समझ आया? यस सर. यस सर. गुड गुड. यस. बहुत बढ़िया. यस सर. ओके बहुत बढ़िया. सही, ऐसे ही रिस्पांस दिया करो. बढ़िया, दोनों अलग अलग प्रोफाइल है क्वेश्चन का. अब दोनों प्रोफाइल पे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, आप करिए, है ना. लिख लिया इसको? यस यस सर. ये सर लिख लिए. सभी ने लिख लिया था? यस सर. यस सर. गुड. देखिए मैं दोनों क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे. इफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन,
ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिखा है, दोनों का प्रोफाइल आप समझ गए होंगे। एक है वेक्टर गिवन, एक जनरल वेक्टर कोई दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और दूसरा यूनिट वेक्टर दिया हुआ है आपको सी की वैल्यू निकालना है। बताइए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। नूर समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2/√15 i cap - 2/√15 j cap + √15 आएगा। एक बार चेक करो, चेक करो अंडर रूट 5। ठीक है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2/√5 i cap - 2/√5 j cap + k cap। वन को सॉल्व करते हैं। पहले a का मैग्नीट्यूड निकालिए, एंड दिस विल बी 4 + 4 + 1 कितना हुआ √9 एंड इट विल बी 3। 2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। So, unit vector of A, equal to A upon mod of A. And this will be 2/3 i cap - 2/3 j cap + 1/3 k cap। समझ में आया सभी को? दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a इज ऑलरेडी अ यूनिट वेक्टर, सो मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.4² + -0.8² + c² and that should be equal to 1. So we can write here 0.16 + 0.64 + c² = 1. C square equal to 0.20. C equal to √0.2. This is. दोनों क्वेश्चन के आंसर कितने लोगों के मैच हुए? पूजा मैच हुए? पूजा, मुस्कान? यस सर, मैच है मेरा। यस सर। मैच हुए आंसर? यस सर। प्रिंस, नूर? गुड गुड प्रिंस। नूर, चंदा? यस सर, होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एंड यूनिट वेक्टर व्हिच ऑल whose length on all axes are equal. Find an unit vector whose length on all axes are equal. तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर a लिया जिसके सारे एक्सिस पे लेंथ बराबर हो, ai cap, aj cap plus a कैप। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे ए और जेड एक्सिस पर भी ए।
बताइए मैग्नीट्यूड क्या है, एक आएगा रूट थ्री है, रूट थ्री है स्क्वायर। हाँ सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर। समझ आया? तो यस सर, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है कि ऑल एक्सिस पे लेंथ बराबर होने चाहिए या ऑल कंपोनेंट्स आर सेम, तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना पड़ेगा कि चलिए मान लीजिए कंपोनेंट ए ए ए है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए कैप, फिर हम बाय द प्रोसीजर जाएंगे तो हमें ये सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके ठीक, इसको लिख लीजिए। लिख लिए सर। कई बार एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, एक और डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूं। फाइंड अ वेक्टर हुज डायरेक्शन आर सेम एज गिवेन वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप बट मैग्नीट्यूड इज 30 यूनिट्स। एक सवाल दिया हूं, बड़ा ही डिफरेंट सा सवाल है, समझना इस चीज को। फाइंड अ वेक्टर हुज डायरेक्शन आर सेम एज गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इज 30 यूनिट्स, ठीक है। डायरेक्शन को सेम किया है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप बट मैग्नीट्यूड इज 30 यूनिट, मतलब ये है कि मुझे a का डायरेक्शन देना है। अगर इस वेक्टर का नाम दे देते हैं कुछ, हम इस वेक्टर को एक नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज वेक्टर a, हमें a का डायरेक्शन देना है, और मान लो कि मैं जो y वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं उस वेक्टर का नाम b है, ठीक है। b वेक्टर को मुझे फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 30 यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन किसके बराबर हो, a के जैसा। तो देखिए क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, आप समझिएगा इस चीज को। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या हो, 30 यूनिट, ठीक, इंटू कर दो यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और इससे मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा। आप कह सकते हो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 इंटू ए का वेक्टर बटा ए का मॉड मैग्नीट्यूड, और ये आपको बी मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया? या इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू ए कैप। क्या ये सबको समझ में आया, ये जो मैंने लिखा है ये सबको समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। जैसे देखिए आप अपने बिहार में रह रहे हैं,
किसी का नाम है मान लीजिए राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, समझिएगा इस चीज को, किसी का नाम है राजू श्रीवास्तव, तो राजू के यहां जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम मान लो कि श्याम है, लेकिन श्रीवास्तव ही रहेगा ना, इस बात को समझते हैं? इसको डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको डायरेक्शन मान लेते हैं, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का एक अहम रोल है, यूनिट वेक्टर गिव यू डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का एक अहम रोल है, यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ होता नहीं है, मैग्नीट्यूड तो वन होता है, सो इट विल गिव यू जस्ट डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू द उस वेक्टर को जिससे जिसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, वो जिसका यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन मिल जाएगा। सो मैं यहां से कह सकता हूं, पहले तो मैं मॉड ऑफ ये निकालूंगा क्या, एट इज टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी टू बाई थ्री आई कैप माइनस टू बाई थ्री जे कैप माइनस वन बाई थ्री के कैप। सो वेक्टर बी इक्वल टू थर्टी, ए का यूनिट वेक्टर थर्टी इंटू टू बाई थ्री आई कैप माइनस टू बाई थ्री जे कैप माइनस वन बाई थ्री के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थर्टी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्वेंटी आई कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप माइनस टेन के कैप, ये यूनिट्स में आ गया। समझ में आया ये, क्या ये सबको समझ में आया? Yes, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। एक बार लिख लीजिए इसको और समझ भी लीजिए। इसका मतलब बस इतना है कि मान लीजिए अगर वेक्टर ए ये है, अगर ये वेक्टर ए है तो हमने क्या किया है, एक अनदर वेक्टर प्रोजेक्ट कर दिया है जिसका नाम बी है, लेकिन डायरेक्शन उसके पास कौन सा है, ए वाला है, और इसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट। तो कह सकते हो यहाँ कि बी और ए वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, बाकी पैरेलल है। इज दैट ओके? ग्रेट। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। एक सवाल आप लोग करिए, चलिए बताइए, फाइंड अ वेक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड टू रूट थ्री यूनिट्स,
Q का डायरेक्शन किसको थोपना है? P को, ठीक है, और P का मैग्नीट्यूड आपको पता है। Q का डायरेक्शन किसको थोपना है? P को। देखिए क्या करना है हमको, P इक्वल टू 2√3 इंटू क्यू अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे हम, 2√3 इंटू आई माइनस जे प्लस के और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1² प्लस माइनस 1² प्लस 1² एंड दिस विल बी 2√3 इंटू आई माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई √3। सो वेक्टर P इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको वेक्टर P मिल गया। सबका आया ये? Yes, sir. ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, ये भी समझ में आ गया तुमको? Yes. ठीक है ना, बिल्कुल सही है प्रिंस। यूज क्या है यूनिट वेक्टर का, ये भी समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर किसी का डायरेक्शन बताने का काम करता है, किसी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन ओनली डायरेक्शन, बिकॉज यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। तो जिस क्वांटिटी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो क्वांटिटी इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ले लेगा। ठीक, अब देखिए हम आगे का बता रहे हैं आपको। इसी के साथ जैसे मैंने आपको अभी बताया था पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बता दिया था, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर हो गया। थर्ड जो है वो आपका क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा हल्का समझे हो गया, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर को अगर P एंड Q जो है, अगर पैरेलल वेक्टर है, P एंड Q आर, इफ P एंड Q आर पैरेलल वेक्टर, देन P इक्वल टू m into q। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए P का P वेक्टर ये है, ये P वेक्टर है और Q वेक्टर ये है, ठीक है, Q वेक्टर ये है और ये P वेक्टर है, दोनों के डायरेक्शन अगर सेम है तो अंतर किस चीज का है, ये m टाइम्स इससे बड़ा है, ये m टाइम्स P है। अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो हम कह सकते हैं P जो है वो m टाइम्स बड़ा है या Q जो है वो m टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस वाले कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू m टाइम्स P, Q इज इक्वल टू m टाइम्स P हेयर, ठीक है। यहां m की जगह k कर देता हूं, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नंबर है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए P वेक्टर है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, Q वेक्टर 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 3k कैप। नाउ हाउ यू कैन राइट Q, Q कैन बी रिटन एज 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 3k कैप, एंड दिस कैन बी रिटेन एज 3 इंटू
2i cap minus 3j cap plus k cap. And this can be written as q equal to 3 into p. हो गया ना? q को represent किया p के term में multiplied by some scalar number or some constant. Is that okay? Is that okay, बच्चे? Yes, sir. अच्छा एक और नोट करने yes, वाली sir. बात देखना. जैसे देखो यहाँ पे if p and q are parallel, देखिए 2 by 6 equal to minus 3 by minus 9 equal to 1 by 3. समझ में आया? 2 by 6 equal to minus 3 by minus 9 equal to 1 by 3. ये रेशियो फॉलो हो रहा है ना? So आप कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है यहाँ पे जो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, ए वन बी वन सी वन, और दूसरा वेक्टर बी जो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप है. सो फॉर ए एंड बी पैरेलल, ए और बी के पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए? A1 upon A2 must be equal to B1 upon B2 must be equal to C1 upon C2. कोई दिक्कत? No, sir. ऐसा नहीं कि ये अलग है कुछ. No, sir. ऐसा नहीं कि कुछ अलग है. ये जो A1 upon A2 है वो क्या है? M ही तो है. तो आप लिख सकते हो ना ये equal to A equal to M into B. समझ में आ रही बात? कुछ अलग नहीं है. जो ऊपर मैंने वेक्टर के टर्म में लिखा है, नीचे थोड़ा स्केलर के टर्म में उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको और ब्रेक किया है. इज दैट ओके? यस सर. टफ लग रहा है बच्चों? नो सर. आसान है? चलिए लिख लीजिए इसको. देखिए If A is parallel to B, find B and C. If A is parallel to B, find a small b and a small c. C is equal to 3. देखिए क्या करना है हमको. 6 बटा 12 इक्वल टू 2 बटा माइनस 2 बटा b इक्वल टू c बटा 6. 6 बटा 12 इक्वल टू माइनस 2 बटा b माइनस 2 इंटू 12 अपॉन 6. ये माइनस 4 आ गया, तो ये b की वैल्यू आ गई आपको माइनस 4. सिमिलरली c बाई 6 इक्वल टू 6 बटा 12, c इक्वल टू 36 बटा 12 और ये 3. सो c इज इक्वल टू 3. समझ गए?
प्रिंस थोड़ा सा चेक करो माइनस प्लस का. कोई दिक्कत? गुड, सभी को समझ में आ गया ना? यस. किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दिया करना, मैं बैक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है. नहीं लिखे हो तो बता दिया करो. ये सिक्स है. चलिए इसका आंसर बता दीजिए. होपफुली इसका आंसर सभी बता सकते हैं. C is equal to minus 4. फिर से वही बच्चे, 4 by A equal to minus 6 by 2 equal to 12 by C. तो ये हो गया 4 by A equal to minus 6 by 2 से A equal to 4 into 2 by minus 6 minus 4 by 3. Similarly, minus 6 by 2 equal to 12 by C. C equal to minus 12 into 2 upon 6. That is minus 4. So C equal to aa minus 4. A equal to aa minus 4 by 3. This is your answer. ठीक है. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए. इस टॉपिक को तो समझ गए बढ़िया से आप लोग, पैरेलल वेक्टर को समझ गए. उसके बाद आते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर. टर्म है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच हैज magnitude and direction both same. magnitude and direction both same. जो length इसकी है वही length इसकी होनी चाहिए. direction and magnitude both will be same. मतलब इसको कह सकते हो same ही vector है, equal vector. ठीक है, equal vectors. आप एक और note लिख सकते हो इसमें, all the equal vectors are parallel.
but vice versa is not true. मतलब पैरेलल वेक्टर तो ये भी हो सकता है बच्चे, इसको आप पैरेलल बोल सकते हो, नॉट इक्वल, लेकिन इसको आप क्या कह सकते हो, इक्वल है, इक्वल है मींस डायरेक्शन तो सेम ही है, पैरेलल भी है, ठीक है. तो ऑल द इक्वल वेक्टर्स विल बी पैरेलल वेक्टर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. मतलब पैरेलल वेक्टर इक्वल जरूरी नहीं कि होगा, मे और मे नॉट बी की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है. ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर, ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल. ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल. कोई कंफ्यूजन, समझ गए? यस सर. गुड. कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच लाई अलोंग सेम लाइन. जैसे देखिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इसी के लाइन में ये है, इसको हम कोलिनियर कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है. दोज वेक्टर्स विच लाई अलोंग सेम लाइन, एक ही लाइन के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं. कॉन्करेंट वेक्टर, इसको हम को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब हुआ स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेम. जैसे देखिए एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, तीनों वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है. इसको हम को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं या कॉन्करेंट वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि तीनों वेक्टर जो है एक ही पॉइंट से एमर्ज हुए हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इसको हम कॉन्करेंट बोल सकते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर कह सकते हैं, या इसको आपको इनिशियल वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको आपको इनिशियल वेक्टर भी बोल सकते हो. समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर. यस सर. पूछना है कुछ? नो सर. नो सर. कोप्लैनर वेक्टर, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन. अगर मान लीजिए ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम प्लेन में है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कोप्लैनर वेक्टर्स, ठीक है. दो वेक्टर मिलके हमेशा एक प्लेन बनाते हैं. टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर विल फॉर्म अ प्लेन, ठीक है. कोई भी दो वेक्टर मिलके एक प्लेन बना सकता है, ठीक है. अब देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं, एग्जांपल जैसे आपसे पूछ देगा मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर फॉर
resultant to be zero. कितने number of equal vector की requirement है so that resultant जो zero हो जाए. तो minimum number of कितने vector चाहिए. मान लीजिए अगर ये 10 newton है तो इसको cancel करने के लिए मुझे इसी line में क्या चाहिए, 10 newton का एक vector चाहिए, हो गया. तो minimum number of कितने vector चाहिए, दो vector. Second, minimum number of unequal vector for resultant to be zero. अब देखिए मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा. मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, तो इसको कैंसल आउट करने के लिए मुझे एक अलग वेक्टर सी चाहिए होगा. तो कम से कम कितना चाहिए, तीन चाहिए. या ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए इधर 20 न्यूटन फोर्स है, इधर 10 न्यूटन फोर्स है, अनइक्वल हो गया दोनों, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे एक और 10 न्यूटन चाहिए होगा. तो मिनिमम नंबर कितना चाहिए, एक दो तीन. मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने रिक्वायर्ड है, तीन वेक्टर चाहिए, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर. ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ये तो देखो सेम प्लेन में चाहिए, ये दोनों जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चे, ये जो दोनों रिक्वायरमेंट है वो तब है जब आप सेम प्लेन की बात कर रहे हो. दैट्स व्हाई मैंने इसको कोप्लैनर में कराया, सेम प्लेन हो तो. अगर सेम प्लेन में ना पूछे तो दो वेक्टर जो है वो डिफरेंट प्लेन में हो, दो वेक्टर जो है वो डिफरेंट प्लेन में हो. दो वेक्टर तो कभी डिफरेंट प्लेन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा मिलके एक प्लेन बनाते हैं, है ना. दो वेक्टर कभी भी डिफरेंट प्लेन में हो नहीं सकते. चलिए मान लीजिए तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर जो है वो डिफरेंट प्लेन में, उसको कैंसिल करने के लिए कितने और वेक्टर की जरूरत होगी, चौथा वेक्टर तो चाहिए, तीनों का रिजल्टेंट कुछ बनेगा, उसको कैंसिल करने के लिए चौथा वेक्टर चाहिए हमको, ठीक है. तो वहां पे क्या होगा, यहां पे आप क्या लिखोगे, फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड इन डिफरेंट प्लेन. मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर तो मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे, तो तीन वेक्टर है, मान लीजिए तीन को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, चौथा चाहिए, तो इसकी संख्या क्या होगी, टोटल चार. टोटल फोर नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड, टोटल फोर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो. इज दैट ओके एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया आपको डिफरेंट प्लेन में, सेम प्लेन में कितना चाहिए, सेम प्लेन में, इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन तीन वेक्टर चाहिए, थ्री वेक्टर, इन डिफरेंट प्लेन फोर वेक्टर चाहिए मिनिमम कैंसल आउट करने के लिए. होपफुली ये क्लियर है सबको. यस सर. गुड. ये देखिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों सेम प्लेन में है. तीसरा वेक्टर मैंने इधर बना दिया. अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन जाएगा, ये जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा. इसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, चौथा चाहिए. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीन वेक्टर अगर डिफरेंट प्लेन में हो तो उनको कैंसिल करने के लिए एक चौथा वेक्टर चाहिए, लेकिन अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में हो तो किसी दो का रिजल्टेंट तीसरा हो सकता है, इसलिए तीन वेक्टर चाहिए. क्लियर है? टुमारो जो है हम लोग पढ़ेंगे, टुमारो का जो हमारा चैप्टर रहेगा, टुमारो
टुमारो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। कितने टॉपिक रहे हैं बता रहा हूं, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये तीन टॉपिक बचे हैं जिसको कल ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ये करेंगे। ओके चलिए ठीक है, क्लास रिज्यूम्ड टुमारो सेम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, 5:10 में टुमारो, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए ओके बाय, टुमारो 5:10 एवरीवन। पूजा 5:10, रोहित 5:10, यस सर, मुस्कान एंड प्रिंसी, ऑल यू नो। चलिए ठीक, थैंक यू सर।